नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। अच्छा अरे पुनीत। हाँ जी यार, वैरायटी कम होती जा रही है दुकान की। प्रोग्रेस की सोचो यार, प्रोग्रेस कैसे हो भैया? बहुत सोच लिया मैंने, मेरे बस से बाहर है इस टाइम तो बात। बस क्यों, क्या हुआ भैया? 4-5 दिन कंटिन्यू करके देखा है मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे नहीं कर सकता मैं। अच्छा, 4-5 दिन तुमने करके देखा है, तो क्या 5 दिन करके देखना काफी है? काफी है, और सारी जिंदगी लगा रहा हूँ इसमें भैया। चलो बैठो एक बार। तुमने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सुना है? उनको कौन नहीं जानता भैया, सब जानते हैं उनको तो। क्रिकेटर थे पहले। हाँ जी। और पॉलिटिक्स में भी हैं वो, है ना? तुम देखो एक बार की बात बताता हूँ मैं। जब वो सिद्धू जी खेलते थे ना, तो उनका मैच था, तो इंडिया टीम हार गई, तो अखबार में उनके बारे में लिखा हुआ था सारा कुछ कि भी नवजोत सिंह सिद्धू की टुक टुक बैटिंग की वजह से ना जो है इंडिया टीम हार गई, सारा दोष सिद्धू को। तो उसके पापा अखबार पढ़ रहे थे, तो सिद्धू जी ने देखा कि भी जो है पापा अखबार पढ़ रहे हैं, तो सिद्धू जी का आते देखते उन्होंने अखबार छुपा लिया। इसलिए छुपा लिया कि अखबार में सारा अखबार जो है उनकी खबर से भरा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो उसको दिल को ठेस पहुँचेगी। लेकिन सिद्धू जी ने फिर भी देख लिया था कि पापा को छुपा रहे हैं, कोई बात नहीं। बाद में उन्होंने अखबार देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई सिद्धू की बैटिंग टुक टुक बैटिंग की वजह से, टुक टुक मतलब हल्के खाली रोक रोक के खेलना, मंदा खेलना, उसकी वजह से इंडिया टीम आ रही है। अगर तेज खेलते तो इंडिया टीम जीत सकती थी। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि मेरे पापा जो है अखबार छुपा रहे हैं शर्मिंदगी की वजह से, मेरे बारे में अखबार में ही लिखा है कि भी जो है मेरी वजह से इंडिया टीम हारी। तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। तो उन्होंने क्या करा, रोज सवेरे 4 बजे उठ के प्रैक्टिस के लिए जाना और प्रैक्टिस करनी, और ये कोई 1-2 दिन या 4-5 दिन नहीं करी, 4 साल तक, पूरे 4 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस करी और अपने आप को बदला, अपने खेलने के अंदाज को बदला। तुमने तो सिर्फ 4-5 दिन देखा, दुकान की सेटिंग करके देखी, वैरायटी बदल के देखी। उन्होंने अपने आप को बदलने के लिए 4 साल लगाए कंटिन्यू, रोज सुबह उठ के 4 बजे जाना 4 साल तक, 1-2 दिन नहीं। और उन्होंने अपने आप को बदल दिया। पता तुम्हें आगे चल के वो एक तेज बल्लेबाज के नाम से मशहूर हुए, और यहां तक कि उनका नाम सिक्सर पड़ गया था, क्योंकि छक्के बहुत मारने लगे थे, समझे? तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज अगर बदलाव लाना है ना, तो उसमें ना समय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कोई 2-4 दिन या 5 दिन में कुछ बदलाव नहीं आता। जब सिद्धू ने अपने आप को ना बदल लिया, अपने आप में बदलाव ले आए, तो तुम काम में बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन किस चीज से नहीं ला सकते, क्योंकि हम 4-5 दिन तक ही देखते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख सकते, समझे? मेहनत और समय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर हमें किसी चीज में बदलाव लाना है तो। ये कह रहे हो भैया आप, अब और ज्यादा मन लगा के दुकान पे काम करूंगा मैं, और भी मेहनत करूंगा और समय दूंगा दुकान को, बिल्कुल चेंज करके दिखाऊंगा भैया अब आपको दुकान में। हाँ, सबसे बड़ी बात समय दो। ठीक है भैया। ठीक है, चलो जाओ करो।